अब आइए जानते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे। वित्त मंत्री जॉन मथाई, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट वित्त मंत्री के तौर पर जॉन मथाई ने पेश किया था। मथाई एक अर्थशास्त्री थे जो देश के पहले रेल मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवा दी और उसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री का जो कार्यभार संभाला और 1950 में ही योजना आयोग और पीसी महालन बोइस के बढ़ते अधिभार के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मथाई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में पहले प्रोफेसर और उसके बाद हेड के तौर पर 1922 से लेकर 1925 तक अपनी सेवाएं दी। जब 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तो वे इसके पहले अध्यक्ष बने। वह सरकारी संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली में संस्थापक अध्यक्ष थे। जॉन मथाई के बेटे रवि जे मथाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के संस्थापक निदेशक थे, जबकि उनका भतीजा वर्गीज ने अमूल की स्थापना की। 1950-51 का जो पहला बजट था उसको कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। इस बजट के रोडमैप ने योजना आयोग के बनाए जाने का स्वरूप तय किया गया था। उस वक्त आर के सम्मू की जगह लेने वाले वित्त मंत्री जॉन मथाई ने इसे पेश किया था। मथाई का बजट भाषण बिल्कुल साधारण था क्योंकि उन्होंने यह फैसला किया था कि सभी डिटेल्स बजट भाषण में नहीं पढ़ी जाएंगी। उन्होंने सदस्यों को बताया कि सभी डिटेल्स के साथ व्हाइट पेपर वितरित कर दिए जाएं। उसके बाद उन्होंने आर्थिक नीति और महंगाई पर एक छोटा सा भाषण दिया था। इस बजट की सबसे बड़ी बात थी कि योजना आयोग का गठन करना और 5 वर्षीय योजना मैप तैयार करना।